हेलो रिवन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साउंड क्लियर आवाज आ रही है ओके ग्रेट सो हम डिस्कस कर रहे हैं क्या स्पेक्ट्रम की समरी को हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेक्ट्रम समरी को और डेली क्लासेस हो रही हैं कब एलेवन एम पे लगभग चार चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट लेशन में हमने सोशियो रिलीजियस रिफ़ॉर्म मूवमेंट को हाफ कंप्लीट किया था और आधा जो बचा हुआ है आज हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम लोग जो दूसरे और रिवोल्ट थे प्रिजेंट रिवोल्ट सिविल रिबेलियन उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे मेरा नाम है सुनील और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो लास्ट लेसन में हमने सोशल जैसे रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में बात किया था कि अवेकनिंग के क्या रीजन थे क्लियर और ब्रिटिशर्स का क्या रोल था ये डिस्कस कर लिया था किस तरह से ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट रोल था क्या रिफॉर्म मूवमेंट के बेसिस थे सोशल बेस क्या था तो हमने बात की थी कि मिडिल क्लास जो है इस मूवमेंट को लीड कर रहा था उसी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था आइडियोलॉजिकल बेस क्या था तो किस तरीके से ब्रिटिश कल्चरल हेजीमोनी को चैलेंज किया जा रहा था इस मूवमेंट के दौरान और अलग अलग लोग इसमें काम कर रहे थे डिफरेंट आइडियोलॉजी से गाइडेड थे कुछ लोग रिफॉर्मिस्ट थे जो साइंटिफिक टेम्पर वाले लोग थे कुछ लोग जो एंशियंट टाइम का जो उनका पुराना रिलीजन था सोसाइटी था वैसे ही उसको स्टेब्लिश करना चाह रहे थे तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने एक को हमने कहा था रिफॉर्मिस्ट जो साइंटिफिक टेम्पर और रेजनल थिंकिंग करने वाले लोग थे और दूसरे रिवाइवलिस्ट थे पुनरुत्थानवादी लोग थे फिर हमने बात की थी कि किस तरह से वीमन के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट तरह के एक्ट लाए गए थे पॉलिसीज बनाए गए थे क्योंकि सबसे ज्यादा कंडीशन इन्हीं की खराब थी अलग अलग तरह के इवेंट्स थे जो वीमन से रिलेटेड थे चाहे वो पॉलीगैमी हो पर्दा हो चाइल्ड मैरिज हो विडो सिस्टम हो ये सारी बातें क्लियर फिर उनके लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोग थे पर्सनालिटीज़ थे वो हमने बातें कर ली थी फिर अब हमें जो बात करना है वो बात करना है कि जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लाइटेशन था उसके अगेंस्ट किस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था क्लियर तो हमने कल थोड़ा सा बात की थी किसके बारे में ज्योतिबा फुले के बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी आज हम लोग ज्योतिबा फुले और फिर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बारे में बात करेंगे और टेम्पल एंट्री मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे तो कल हमने गांधी जी के बारे में बात किया था किस तरह से गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन की फाउंडेशन रखी थी और इन्होंने भी अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता थी उसको डिनाई किया था लेकिन इनका तरीका क्या था टूल अलग था वो क्या बात करते थे गांधी जी का मानना था कि सभी लोग क्या है भगवान के बनाए हुए हैं गॉड का सबके अंदर एसेंस है तो किसी को दूसरे के ऊपर एट्रॉसिटी करने का राइट नहीं है तो उसका क्या करना पड़ेगा हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा हॉट चेंज करना पड़ेगा इसके लिए वो सत्याग्रह के टूल को यूज करते थे कि यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा सत्याग्रह करना पड़ेगा जो एट्रॉसिटी करते हैं उनके हृदय में परिवर्तन लाना पड़ेगा अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज करना है ओके ओके okay, वॉल्यूम क्यों नहीं हो रहा है तेज ओके okay, ओके okay, अब थोड़ा ठीक है मैं तो काफी तेज बोल रहा हूं क्लियर uh, है अब जिज्ञासा अब वॉल्यूम क्लियर है अभी भी वॉल्यूम ठीक है या थोड़ा सा और तेज़ बोलना पड़ेगा या फिर मुझे ईयरफोन यूज़ करना पड़ेगा मैं थोड़ा ईयरफोन यूज़ करूँगा तो शायद आवाज़ थोड़ी सी सही हो जाए जाएगी तो एक मिनट मैं थोड़ा सा ईयरफोन चेक करता हूँ कोई नहीं अभी तो ईयरफोन दिख नहीं रहा है ठीक है नेक्स्ट टाइम तो ईयरफोन यूज़ करेंगे तो थोड़ा मैं तेज़ बोलता हूँ शायद आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे देखिए तो गांधी जी ने क्या किया था ऑल इंडिया हरिजन संघ की फाउंडेशन रखी थी नाइनटीन में और इनका मानना था कि इस तरह से हृदय परिवर्तन करना है Uh, सत्याग्रह के थ्रू जो एट्रोसिटी करते हैं अनटचेबिलिटी को क्या करते हैं प्रैक्टिस करते हैं क्लियर ये लॉ बनाने के फेवर में नहीं थे ये हृदय परिवर्तन सत्याग्रह की बात करते थे क्लियर दूसरी तरफ जो दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जो अनटचबिलिटी या कास्ट बेस्ड एक्सप्लेटेशन एक्ष्ट के अगेंस्ट थे वो थे ज्योतिबा फुले इनका खुद एक लोअर कास्ट में इनका बर्थ हुआ था माली फैमिली से और इन्होंने भी क्या किया था मूवमेंट चलाया था इनका मानना यह था कि लोअर कास्ट को क्या किया जाए एडुकेट किया जाए खास करके गर्ल्स को और उन्होंने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्कूल्स भी खोले थे तीसरे जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने कास्ट बेस्ड एक्सप्लाटेशन के अंगेंस्ट मूवमेंट चलाया था वो थे बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर लाइफ स्टाइल को आप देखोगे इनके ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बचपन से ही इनके साथ क्या हो रहा था कास्टिज्म वाला डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बचपन से ही ठीक है और ये अपर कास्ट के एट्रोसिटी से हमेशा फाइट करते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था कंटिन्यू रखा था और इन्होंने एक सोसाइटी में अपनी पोजीशन बनाई थी तो उन्होंने इस चीज़ को फील किया था और जब कोई चीज़ फील करता है तो आदमी उसके लिए क्या करता है रूट काजेस को जानता है और उसके अंगेंस्ट क्या किया था इसी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने कास्ट बेस्ड एक्सप्लाटेशन के अंगेंस्ट मूवमेंट चलाया था तो उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की फाउंडेशन रखी थी और उनका मानना था कि जो ये हायारिकल सिस्टम है ये पूरी तरीके से गलत है कास्ट बेस्ड जो एक्सप्लाइटेशन है वो गलत है और इसके लिए उनका मानना था कि ये जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है वही क्या है सबसे बड़ा रीजन है तो इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए और इस कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है हिंदू रिलीजन के द्वारा तो वो हिंदू रिलीजन या ब्राह्मणिकल रिलीजन और कास्ट सिस्टम दोनों के अंगेंस्ट थे बोलते थे कास्ट सिस्टम होना ही नहीं चाहिए हिंदू रिलीजन का ये सबसे क्या फंडामेंटल फ्लॉज है तो वो इसको ख़त्म करने की बात करते थे वो कास्ट सिस्टम के अंगेंस्ट थे इसलिए उनकी जो बुक है एनहलेशन ऑफ कास्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा तो वो जाति प्रथा की समाप्ति की बात करते थे गांधी जी जाति प्रथा के विरोधी नहीं थे वो उसमें जो अनटचेबिलिटी थी डिस्क्रिमिनेशन था उसके अंगेंस्ट थे और इसलिए वो हृदय परिवर्तन की बात करते थे सत्याग्रह की बात करते थे अंबेडकर का कहना था कि नहीं कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से गलत है क्योंकि रिलीजन इसको सपोर्ट करता है तो ये सिस्टम ही अबोलिश होना चाहिए तभी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सकता है कास्ट सिस्टम रहे और डिस्क्रिमिनेशन ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है अंबेडकर साहब का अप्रोच था और इसके लिए वो कहते थे कि कास्ट सिस्टम को खत्म होने में टाइम लगेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए इंटर कास्ट मैरिजेस होनी चाहिए फिर वो कहते थे कि जो पृष्ठ है वो केवल ब्राह्मीण नहीं होना चाहिए उसका भी एग्जाम कराइए आप और फिर जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उसको क्या करिए आप अपॉइंट कर दीजिए ठीक है गुड मॉर्निंग गुरिया तो इस तरह की बातें कौन कर रहा है अम्बेडकर कर रहे हैं वो कहते थे एम्पावर करो लोगों को एजुकेशन दो प्रिविलेज दो इसलिए आप देखोगे कि अंबेडकर हमेशा क्या करते थे वो डिमांड करते थे जो सेक्शन था वंचित जो तबका था उसके लिए रिजर्वेशन की डिमांड करते थे आपने देखा होगा इसीलिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की डिमांड भी की थी और इसी सेपरेट इलेक्टोरल के कंटेक्स में पूना पैक्ट होता है आपको पता होगा जो गांधी जी के दबाव में हुआ था गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक कर लिया था तो अगर अंबेडकर साहब अपने कम्युनिटी के लिए फ़ाइट कर रहे थे तो उसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन था उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था जो उन्होंने फेस किया था तो उनको लगता था कि अगर स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो डिप्रेस क्लास की कंडीशन कभी इंप्रूव नहीं हुई बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है अम्बेडकर को इसके लिए कि वो नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल वैल्यू सिस्टम के अंगेंस जाके केवल अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे थे ठीक है तो उसके लिए आप क्रिटिसाइज़ उनको कर सकते हो लेकिन अगर तो उसके दूसरे एस्पेक्ट को देखोगे तो उन्होंने जो फेस किया था वो उसी का क्या था आउटपुट था तो दोनों चीज़ें हम बैलेंस करके एग्जाम में कभी पूछा जाए तो यू कैन राइट इन दिस वे तो वो क्या करते हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ इस तरह के प्रोविजन भी किए गए अम्बेडकर साहब के एफर्ट से और अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब भी इन्हीं का सबसे ज़्यादा फोकस था सबसे ज़्यादा इन्होंने इम्फ्रिसाइज किया था कि इक्वल्टी वाली बात की जाए जो फंडामेंटल राइट right में बहुत सारे प्रोविजन है वो इन्हीं का क्या है क्रेडिट दिया जाता है फिर आप देखोगे कि जो महाराजा हैं कोल्हापुर के जो 1900 के आसपास थे उन्होंने ही क्या किया था नान ब्राह्मीण मूवमेंट चलाया था तो कोल्हापुर के जो महाराज हैं उनका भी बहुत बड़ा क्या है कंट्रीब्यूशन माना जाता है जो कास्ट बेस्ड एक्सप्लाटेशन था उसके अंगेस्ट छत्रपति साहू जी के? तो ये छत्रपति साहू जी ये हैं मॉडर्न छत्रपति साहू जी हैं जो कोल्हापुर के महाराज थे तो इन्होंने अपने यहाँ क्या किया था बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोले थे और इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने खोले थे वहां पर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबको पढ़ने का क्या दिया जाता था मौका दिया जाता था वो स्कॉलरशिप देते थे जो भी पढ़ने वाला बंदा होता था तो आप देख रहे हो कि महाराजा जो है कोल्हापुर के उनका भी नाम माना जाता है कि वो क्शन के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे इस तरीके से आप देखोगे कई सारे मूवमेंट चलाए जाते हैं कास्ट बेस्ड एक्सप्लाटेशन जाति आधारित शोषण के विरुद्ध में तो सबसे पहला जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है वो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट देखने को मिलता है जिसे हम आत्मसम्मान आंदोलन कहते हैं इसको लीड किया गया था रामास्वामी नायकर के द्वारा पूरी तरीके से नान ब्राह्मीणेशन था मूवमेंट था और इनके मूवमेंट चलाने का जो बेसिक पर्पज़ था जो डिस्क्रिमिनेशन होता था जैसे कि जो लोअर कास्ट की टेम्पल में इंट्री नहीं हुआ करती थी उसका ये विरोध करते थे कि भाई आप इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं सब के सब क्या इंसान हैं इक्वल हैं ह्यूमन बीइंग है तो आप इनके रिलीजियस जो राइट्स हैं उसको आप बैन नहीं कर सकते हो तो टेम्पल में एंट्री होनी चाहिए और इस तरीके से रामास्वामी नायकर के अलावा नारायण गुरु जो केरल में थे वो भी इसी तरीके के टेम्पल एंट्री मूवमेंट को लीड कर रहे हैं और नारायण गुरु क्या थे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के क्या हो गए थे बहुत बड़े एक लीडर बनकर इमर्ज किए थे उनका एक स्लोगन बहुत फेमस हुआ था वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैन काइंड कि सबके लिए एक ही धर्म होना चाहिए एक ही जाति होनी चाहिए एक ही भगवान होना चाहिए मानवता के लिए कि अगर आप ह्यूमनिज़म को सही में अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक ही रिलीजन होना चाहिए रिलीजन का मतलब है कि वो रिलीजन कैसा होना चाहिए ह्यूमनिज्म होना चाहिए एक ही जाति होनी चाहिए वो भी humanism, वो जाति कैसी होनी चाहिए ह्यूमनिज्म की जाति होनी चाहिए एक गॉड होना चाहिए जो ह्यूमनिज्म को प्रोटेक्ट करता है तभी मैनकाइंड का मानवता का भला होगा ये उनका था वो ऐसा नहीं कहते थे केवल ब्राह्मणिकल रिलीजन हो या इस्लाम हो उनके रिलीजन कास्ट गॉड का मतलब था ह्यूमन वैल्यू वाला रिलीजन कास्ट होना चाहिए इन्हीं का एक चेला था डिसाइपल था उसने अयप्पन जिसका नाम था उसने इस स्लोगन को चेंज कर दिया उसने बोला कोई रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कोई कास्ट होना ही नहीं चाहिए अगर आप मैन काइंड को मानवता को डेवलप करना चाहते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा रेडिकल हो गया था अयप्पन तो इनके द्वारा जो भी मूवमेंट चलाए जा रहे थे लेकिन उसकी लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगी क्योंकि तो ये सब के सब क्या थे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में चलाए जा रहे थे और इनको पॉपुलर सपोर्ट भी ज्यादा नहीं था खास करके जो मिडिल क्लास थे अपर कास्ट लोग थे उनका सपोर्ट नहीं था तो लोअर कास्ट का मूवमेंट होने के कारण और अपर कास्ट का बहुत ज्यादा सपोर्ट ना होने के कारण ये मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल भी नहीं रहे लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई इम्पैक्ट नहीं डाला इन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी ज्यादा सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था इससे क्या होगा डिसकंटेंट ज्यादा डेवलप होगा और हमें दिक्कत पैदा होगी फिर जब इंडिया आजाद होता है तब तो आप देखोगे कि अनटचबिलिटी को क्या किया गया था एबोलिश करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखा गया था लेकिन हम आज भी देखते हैं कि इतने प्रोविजन होने के बावजूद इंडिया से अनटचबिलिटी जैसी चीजें जो है इविल्स से वो खत्म नहीं हो पाई क्लियर अभी भी कास्टिजम बचा हुआ है प्रिवेल है अनटचेबिलिटी अभी भी आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरिया में तो नहीं देखने को मिलेगा लेकिन रूरल एरियाज में आपको आज भी अनटचबिलिटी अस्पृश्यता देखने को मिलेगी क्लियर है तो ये कुछ थी स्ट्रगल अगेंस्ट कास्ट बेस्ड एक्सप्लाटेशन जो हमने कवर कर लिया अब इसका एक छोटा सा पार्ट और है क्लियर जिसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा फैक्चुअल है उसको हम लोग कुछ जो है कल डिस्कस करेंगे ठीक है तो आज के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतना बहुत है तो इसके बाद जो हमें थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक इसका है वो है डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूशन है उनकी बात हम लोग करेंगे ठीक जिसमें ब्रह्म समाज आर्य समाज फिर जो टेम्पल एंट्री के अलग अलग मूवमेंट थे उनकी बात करेंगे तो उसको हम लोग थोड़ा कल डिस्कस करेंगे आज हम लोग जो बात करेंगे वो डिस्कस करेंगे इंडिया में जो डिफरेंट तरह के रिवोल्ट और मूवमेंट हो रहे हैं उनकी हम लोग आज थोड़ी सी बात करेंगे ओके okay. तो हम लोग बात करेंगे पीपुल्स राइजिंग रिजनमेंट अगेंस्ट द कंपनी रूल कि 1857 के पहले जो इंडिया में रिवोल्ट हो रहे थे मूवमेंट हो रहे थे वो कौन कौन से थे उसकी बात हम लोग करेंगे कि। फिर 1857 के बाद की बात करेंगे कि कौन सा रिवोल्ट हो रहा है तो दो फेजेस में अलग अलग चैप्टर बना के दिया हुआ है इस्पेक्ट्रम में तो दोनों को अलग अलग हम डिस्कस करेंगे तो आप देखोगे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के आगे जो विद्रोह हो रहा है रिवोल्ट हो रहा है उसमें सिविल रिबेलियन भी है नागरिक विद्रोह भी है ट्राइबल अपराइजिंग भी है प्रीजेंट भी है और मिलिट्री रिवोल्ट भी है तो ये चार तरह के रिवोल्ट आपको देखने को मिलेंगे बिफोर द एटीन के 1857 के बाद भी देखने को मिलेंगे, बट यहाँ चैप्टर बनाया गया तो हम उसी चैप्टर के से चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लोगों के अंदर गुस्सा क्यों था पीपल क्यों हो रही थी उसके पीछे क्या फैक्टर्स काम कर रहे थे तो अगर आप उन फैक्टर्स को देखो जिसके कारण लगातार विद्रोह हो रहे थे उसमें सबसे बड़ा जो रीजन था ब्रिटिशर्स का लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट क्योंकि ये जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था ये सबसे ज़्यादा किसको इंपैक्ट कर रहा था फार्मर्स को कर रहा था और फार्मर्स ही सबसे ज़्यादा नंबर में इंडिया की सोसाइटी के, के पार्ट थे और डिफरेंट तरह के जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे चाहे वो ड्यूबल सिस्टम हो या परमानेंट हो स्थाई बंदोबस्त हो रैयतवाड़ी हो माहौलवाड़ी हो इन सब का क्या हो रहा था किसानों के ऊपर निगेटिव इम्पेक्ट ही पड़ा था किसान बर्बाद हो गया था वो डेप ट्रैप में फंस गया था तो इससे किसानों के अंदर डिसकंटेंट डेवलप हो रहा था उसके ऊपर ढेर सारे टैक्सेस के बर्डन आ गए थे किसान अपनी ज़मीन से बेदखल हो गए थे लाला ने मनी लेंडर ने उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था तो उनके अंदर गुस्सा था इस तरीके से आप देखोगे कि ट्राइबल लैंड पर भी इनका ब्रिटिशर्स इंक का इंक्रोचमेंट हो गया था जंगलों में ये घुस गए थे वहाँ पे लैंड पे इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया था मनी लैंडर आ गया था वहां पर तो इससे इनके अंदर भी गुस्सा था तो रूरल सोसाइटी का क्या हो रहा था पूरा तरीके से एक्सप्लाटेशन हो रहा था इंटरमीडरीज ढेर सारे आ गए थे रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में मनी लैंडर आ गए थे जो सोसाइटी में पहले देखने को नहीं मिलते थे उतने ज्यादा तो पूरी की पूरी एग्रीगेरियन इकोनमी को बर्बाद कर दिया था किसानों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा था इस तरीके जैसा हमने बताया कि ट्राइबल एरिया में भी ये एंटर कर गए थे ट्राइबल पीपल के जो जो उनका कल्चर था जो उनका इकोनॉमिक सिस्टम था चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कंज्यूम करने का जो उनका नेचुरल राइट था उन सबको क्या किया गया था इग्नोर किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा तो इससे उनके अंदर गुस्सा था दूसरी तरफ आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था अपने मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स इंडस्ट्रियल रेवलूशन वाले औद्योगिक क्रांति वाले उसको क्या कर रहे थे वो मार्केट में सेल कर रहे थे बेसिकली डंप कर रहे थे नॉट सेल वो पूरे के पूरे इंडिया में क्या करते उसको उन्होंने फेंक दिया था एक तरीके से बहुत सस्ते रेट पर ताकि इंडिया के मार्केट पे क्या कर लें कब्जा कर लें दूसरी तरफ इंडिया के जो गुड्स थे उन पे क्या किया जा रहा है हैवी ड्यूटी लगाई जा रही है ताकि यूरोप में वो एंटर ना कर सके इससे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्या होगी हैंडलूम क्या हो गया बर्बाद हो गया अब अगर इंडिया का हैंडलूम बर्बाद हो गया हैंडीक्राफ्ट बर्बाद हो गया तो यहाँ के लोगों के पास क्या आ गया अनएम्प्लॉयमेंट हुआ बेरोजगारी आई पॉवर्टी तो आई आई और इनके अंदर डिसकंटेंट असंतोष पैदा हुआ और फिर जब ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो ये कहां जाएंगे जब इंडियन इंडस्ट्री खत्म हो रही है वो माइग्रेट कर रहे हैं कहाँ पर एग्रीकल्चर की तरफ अपने घरों की तरफ जा रहे हैं वापस गाँव की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं कुछ सर्वाइवल वाला काम कर लेंगे लेकिन एग्रीकल्चर की कंडीशन पहले से ही ख़राब थी ड्यू टू ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम कॉमर्सलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो इससे एग्रीकल्चर पर क्या हो गया प्रेशर बढ़ गया दबाव बढ़ गया और फिर पूरे के पूरे जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी एग्रीगेरियन सोसाइटी थी उसमें डिसकंटेंट और बढ़ने लगा तो ये कुछ बेसिक रीजन थे जिसके कारण हम देखते हैं कि अपराइजिंग हो रहे थे डिसकंटेंट का एक्सप्रेशन हो रहा था थ्रू द रिवोल्ट अब अगर हम सिविल अपराइजिंग की बात करें तो सिविल अपराइजिंग का मतलब क्या होता है सिविल अपराइजिंग का मतलब होता है कि सोसाइटी का डिफरेंट सेक्शन इसमें पार्टिसिपेट करेगा मोर देन वन यानी फार्मर के साथ आपको इसमें जमींदार भी दिख सकता है इसमें सिपाही भी दिख सकता है रिलीजियस पीपल भी दिख सकते हैं कि मोर देन वन सेक्शन आपको देखने को मिलेगा हो सकता है दो सेक्शन हो तीन सेक्शन हो तो उसे हम कहते हैं सिविल अपराइजिंग लेकिन सोसाइटी का केवल एक सेक्शन करेगा तो उसे हम उसी सेक्शन के नाम से जानेंगे जैसे अगर किसान विद्रोह करता है तो उसे हम पीजेंट रिवोल्ट कहेंगे लेकिन अगर किसान के साथ जमींदार आ गया किसान के साथ सिपाही आ गया या रिलीजियस पीपल आ गए तो उसे हम सिविल रिवेलियन कहेंगे डन आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आखिर सिविल रिवेलियन क्या था सिविल अपराइजिंग क्या था किस तरीके से ये डिफरेंट है ट्राइबल रिवोल्ट से किस तरीके से ये डिफरेंट है पीजेंट यानी कि किसान विद्रोह से के। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए तो मेजर कॉजेस क्या आते हैं सिविल अपराइजिंग के तो सिंपल सी बात वही है कि जब सिविल का मतलब है कि उसमें फार्मर भी रहेगा जमींदार भी रहेगा उसमें रिलीजियस पीपल भी रहेंगे उसमें एजुकेटेड पीपल भी रहेंगे तो ब्रिटस की डिफरेंट पॉलिसीज के कारण इन सबके अंदर गुस्सा है लैंड रेवेन्यू कमर्सलाइसन ऑफ एग्रीकल्चर के कारण किसानों के अंदर गुस्सा है जमींदारों के अंदर गुस्सा है ट्राइबल पीपल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज कर दिया जा रहा है उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं लैंड राइट छीने जा रहे हैं तो उनके अंदर भी गुस्सा है जमींदारों की जमींदारी राइट छीने गए उनके अंदर गुस्सा है तो आप देखोगे कि हर सेक्शन के अंदर गुस्सा है क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी रेवेन्यू सिस्टम था जिस तरह से उन्होंने इंडिया की इकॉनमी को अपने हिसाब से चेंज कर दिया था ट्रांसफॉर्म कर दिया था सबके अंदर गुस्सा था बहुत सारे जमींदार जो थे पोलीगर जो थे यानी कि जो मीडिएटर थे उनको क्या मिल गया था उनके लैंड से बेदखल कर दिया गया था बहुत सारे राजा महाराजाओं से उनका राज्य छीन लिया गया था तो उन सबके अंदर गुस्सा था और जब किसी की ज़मीन छीन लोगे आप जमींदारी राइट छीन लोगे जो ट्रेडिशनल राइट था मुगलों के टाइम पीरियड से जमींदारों का एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है तो उनसे क्या किया जा रहा जमींदारी का राइट छीना जा रहा है उनका ईगो हर्ट हो रहा था उनको साइड लाइन किया जा रहा था अब ब्रिटिश वर्दी वाले जो लोग थे वो इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे तो उनके अंदर क्या था डिसकंटेंट था गुस्सा था और फिर जब यहाँ पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आता है तो लोग अपने स्किल के बेसिस पर अपनी क्वालिटी के बेसिस पर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होते अपॉइंट हो रहे थे तो एक नया क्लास इमर्ज कर रहा था जिसे मिडिल क्लास कह रहे हैं अब अगर एक नया मिडिल क्लास इमर्ज होगा जो जिसके पास पैसा भी होगा रिकोगनीशन भी होगी दो बॉडी भी मिलेंगे अब वो अगर ज़मींदार के सामने आएगा तो जमींदार को गुस्सा और आएगा कि कल कोई जो आदमी मेरे सामने बैठता नहीं था आज वो क्या करके आ रहा है वो मुझे क्या कर रहा है मेरे सामने बैठ रहा है मुझसे बातें कर पा रहा है तो उनका ईगो और हर्ट होता था तो जो नए नए सोसाइटी में क्लास इमर्ज कर रहे हैं वो पुराने ट्रेडिशनल जो हाईकियल था हाईआरकी सिस्टम था उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इससे पुराने लोगों को क्या हो रही है नाराजगी और बढ़ रही है फिर इंडियन हैंडीक्राफ्ट के बर्बाद होने का रीजन तो मैंने आपको बताया प्रिस्ती क्लास भी नाराज था क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं एक्ट बना रहे हैं सोसाइटी में इंटरफेयर कर रहे हैं उससे भी लोग नाराज हैं जिस तरीके से ये कन्वर्जन कर रहे हैं वो भी क्या है लोग गुस्से में जिस तरीके से कल्चरल हेजीमोनी अपनी सांस्कृतिक प्रभुसत्ता इम्पोज कर रहे हैं वो भी क्या है नाराज है तो आप देखोगे कि पृस्टी क्लास के अंदर भी गुस्सा भरा पड़ा है और सबसे जो एक और इम्पॉर्टेंट रीजन माना जाता है वो ये कि इनका फॉरेन कैरेक्टर बना रहना है मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में फॉरेन रूल कोई नई चीज़ नहीं थी इंडिया में हमेशा से एक लंबे समय से विदेशी शासन था एंशियन टाइम पे इंडो ग्रीक सका कुशाना फिर मेडल टाइम पीरियड में टर्क आते हैं फिर अफग़ान फिर मुग़ल तो कोई नई चीज़ नहीं थी लेकिन पहले के शासन में और ब्रिटिश रूल में अंतर केवल इतना था कि ब्रिटिशर्स का नेचर हमेशा फ़ॉरनर ही बना रहा उन्होंने इंडिया को कभी एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने इंडिया को कभी अपना मदर लैंड नहीं समझा पहले के जितने भी इन्वेडर्स थे उन्होंने आके इंडिया को ही अपना मदर लैंड समझ लिया था इंडिया को ही अपना देश समझ लिया था यहीं पे वो सेटल्ड हो गए थे तो अगर वो एक्सप्लाटेशन करते भी थे तो पैसा क्या करते थे यहीं पर उसका एक्सपेंडिचर भी होता था खर्च भी होता था यानी पैसा बाहर नहीं जाता था इंडिया में जब ब्रिटिश रूल हो रहा है तो यही नेचर चेंज हो गया वो हमेशा अपने आप को लंदन का ही समझ रहे थे इंडिया उनके लिए क्या था केवल एक मार्केट था इंडिया उनके लिए केवल एक वेल्दी लैंड था एक ऐसी धरती थी जहाँ पे ढेर सारा पैसा है एक ऐसा देश है जहां पे ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस करने की तो वो शोषण कर रहे हैं इमोशनल अटैचमेंट नहीं था तो इससे भी लोगों के अंदर क्या था गुस्सा था के तो आप देखोगे इसके कारण क्या हो रहा है सिविल रिबेलियन लगातार हो रहे हैं अब इन रिबेलियन के अगर आप नेचर कैरेक्टर को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये रिवोल्ट क्यों हो रहे थे लोकल कॉजेस के कारण हो रहे थे जो उनके लोकल ग्रीवेंसेस थे जो नाराजगी थी गुस्सा था कारण था उसी के कारण ये हो रहे थे और जो इनका ऑब्जेक्टिव होता था वो भी क्या होता था बहुत ही लिमिटेड होता था क्योंकि कारण क्या है लोकल है तो बस केवल लोकल कारण को खत्म कर दो पुराना सिस्टम ला दो यही इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता था यानी सिंपल सी लैंग्वेज में कहे तो ये जो सिविल अपराइजिंग है ये ब्रिटिश स्ट्रक्चर को नेचर को समझ नहीं पाते थे ये केवल जो इमीडिएट एक्सप्लाटेशन करने वाला है जो इमीडिएट इशू है उसको रिजॉल्व करने की बात करते थे ये नहीं कहते थे कि भाई ब्रिटिश रूल इंडिया से खत्म होना चाहिए कहते थे भाई जमींदार जो हमारा एक्सप्लाटेशन करता है या जमींदार ने जो लगान बढ़ा दिया वो खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि इनको ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं था तो ऑब्जेक्टिव ही क्या था इनका छोटा था अब अगर हम रिवोल्ट की बात करें सिविल रिवेलियन की तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सन्यासी रिवोल्ट है जो 1763 से स्टार्ट होता है 1800 तक चलता रहता है, है। बंकिम चंद चटर्जी की जो बुक है आनंद मठ उसमें सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बताया गया तो बेसिकली कहा जाता है कि आनंद मठ जो है वो सन्यासी रिवोल्ट पर ही बेस है और इस सन्यासी रिवोल्ट में लोग कौन से शामिल थे तो आप देखोगे छोटे जमींदार भी उसमें शामिल थे डिसबैंड सोल्जर्स थे यानी कि जिन सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया था वो भी शामिल है गरीब जो किसान हैं लोग हैं वो शामिल है तो आप देख सकते हो कि इसमें सोसाइटी का क्या है डिफरेंट सेक्शन शामिल है जमींदार भी है किसान भी है सैनिक भी है इसीलिए इसको सिविल रिबेलियन कहते हैं नागरिक विद्रोह कहते हैं इसलिए इसको किसान विद्रोह नहीं कहते हैं इसलिए इसको सिपाही विद्रोह नहीं कहते हैं फिर इस सन्यासी रिवोल्ट की आप खास बात देखोगे कि इसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों ने क्या किया था पार्टिसिपेट किया था इसे कभी कभी फकीर विद्रोह भी कह देते हैं लेकिन फकीर विद्रोह क्या है थोड़ा सा अलग है सन्यासी रिवोल्ट से अब देखो कि 1970 में क्या है फेमाइन आया हुआ है और ये फेमाइन भी ब्रिटिश पॉलिसीज के कारण आया हुआ है और आप देखोगे कि जो सन्यासी हैं इनकी फ्री मूवमेंट पे क्या किया जा रहा था टैक्सेस लगा दिए गए थे फ्री मूवमेंट को कैप्चर किया जा रहा था या अलाउड नहीं किया जा रहा था तो इनके अंदर गुस्सा था ही और जब इनके आने जाने पे रोक लगाई गई तो इन सन्यासियों ने क्या किया कंपनी के फैक्ट्रीज़ पर अटैक कर दिया उनके ट्रेजरी पर अटैक कर दिया कंपनी के फोर्सेज पर अटैक कर दिया क्लियर और वॉरेन हेस्टिंग ने इस सन्यासियों के रिवोल्ट को क्या कर दिया था सप्रेस कर दिया था आप देखोगे कि मजनू शाह मजनू शाह कहते हैं चिराग अली देवी चौधरानी ये सब क्या थी इंपॉर्टेंट लीडर थी सन्यासी रिवोल्ट तो इनका नाम भी आप याद रखना देवी चौधरानी का क्योंकि तो ये इंपॉर्टेंट है तो विमेन का नाम तो आपको याद रखने की जरूरत है जो इस सन्यासी रिवोल्ट से क्या थी रिलेटेड थी okay. तो बाकी चिराग अली मजनू शाह का नाम आप याद रखोगे आपका काम हो जाएगा okay. इस तरीके से आप देखोगे कि मिदनापुर में रिवोल्ट हो रहा है जब नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया गया ब्रिटसस के द्वारा वहां पर तो वहाँ की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई गड़बड़ होगी क्योंकि तो जब भी सिस्टम लाया जाता था तो क्या होता था, था पूरा का पूरा जो एग्जिस्टिंग पुराना सिस्टम था उसको चेंज कर दिया जाता था, था। जैसे अगर यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था तो ज़मींदार जो कभी लैंड ओनर नहीं होता था सारे लोगों का वो लैंड ओनर हो गया किसान जो अपनी ज़मीन का मालिक होता था उसको बेदखल कर दिया गया तो इससे वहाँ की जो हारमोनियस सीनरी होता है वो बदल गया और फिर वहाँ पे लोगों ने क्या कर लिया था रिवोल्ट कर दिया तो आप देखोगे तो तो दामोदर सिंह जगन्नाथ मंडल क्या कर रहे हैं रिवोल्ट कर रहे हैं बहुत सारे रिवोल्ट आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेंगे ठीक है तो आपको तो करना क्या है जब भी रिवोल्ट आप पढ़ोगे तो जो रिवोल्ट हैं उनके केवल और केवल रीजन आपको याद रखने हैं ईयर याद रखना है लीडर याद रखना है ठीक है और स्पेसिफिक जो रिवोल्ट है, उन रिवोल्ट के काजेस अगर कोई बहुत स्पेसिफिक रिवोल्ट है जिसका काज एकदम अलग है ब्रिटिश एक्सप्लाटेशन के अलावा भी कुछ स्पेसिफिक काजेस है तो उनको याद करना है अदरवाइज याद करने की ज़रूरत नहीं है जैसे रिवोल्ट ऑफ मोमरीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा जब होम किंग जो था उसको उससे रिलेटेड है लो कास्ट पीजेंट थे तो इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था ब्रिटसस ने भी क्या कर दिया था इसको क्रश कर दिया था केवल इतना याद रखना है और इसका ईयर याद रखना है ये कौन से रीजन में था तो आसाम से रिलेटेड है लो कास्ट के लोगों ने इसको क्या किया था लीड किया था इस तरीके से आप देखोगे कि सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट में जैसे गोरखपुर बस्ती बहराइच यानी यूपी का जो पार्ट है आज का यूपी वहाँ पर भी क्या हुआ था रिवोल्ट हुआ था तो वारण सिंह लगातार जो वॉर कर रहा था एक्सपेंशन कर रहा था मराठा मैसूर के अंगेस्ट तो चाहता था कि क्या हो ढेर सारा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए ताकि वॉर में उसको क्या किया जाए खर्च किया सके उसके अंगेंस्ट क्या होता है यहाँ पे रिवोल्ट हो जाता है तो केवल याद रखना है सेवनटीन में ये रिवोल्ट हुआ था इजारेदारी सिस्टम को लेकर और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से राजा जो थे विजंगनम के वो 1794 में इनके इलाके में क्या हो रहा है रिवोल्ट हो रहा है ठीक है गजपति राजू जो है क्या था वो इस रिवोल्ट को क्या कर रहा है लीड कर रहा है राजा को निकाल दिया गया और क्या किया गया उसको पेंशन देने की बात की गई राजा ने रिफ्यूज कर दिया लड़ाई होती है तो ये बस केवल रीजन इसका याद रखना कहां पर हुआ था और कौन लीडर था तो गजपति राजू जो है वो लीड कर रहा है सेवनटीन में ठीक में रीजन क्या था कि राजा को निकाल दिया गया था और उसको पेंशन दे दिया गया था इस तरीके से आप देखोगे कि बेंदुर में रिवोल्ट हो रहा है ईयर याद रख लेना है और इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है केरला में विद्रोह हो रहा है ईयर याद रखना है रीजन याद रखना है लिए। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है अवध में रिवोल्ट हो रहा है सेवनटीन नाइनटी नाइन में वजीर अली खां को मार दिया वजीर अली खान ने मार दिया था एक ब्रिटिश रेजिडेंट को जिसे मक्रा बनारस भी कहते हैं और जब इस तरीके से मारा और तो मारने का रीजन वही था कि जिस तरह से रेजिडेंट क्या करता था डे टू डे अफेयर में इंटरफेयर करता था गुस्सा काफ़ी बढ़ गया था तो उसने क्या कर दिया था मार दिया था ब्रिटिशर्स ने यह कर दिया क्रश कर दिया तो केवल यही याद रखना है वजीर अली खानी का वजीर अली खान का नाम और ईयर याद रखना है अवध में एक सिविल रिवेलियन हुआ था पोलीगारों का रिवोल्ट 1795 से लेकर वन में हुआ था साउथ इंडिया में ये पोलीगार हुआ करते थे बेसिकली किसान और छोटे से जमींदार ये हुआ करते थे जिसका मेन सेंटर है वो तिनवेली रामनाथपुरम ये याद रखना है आपको ठीक है और इसका रीजन याद रखना है कि कौन से रीजन में हुआ था क्लियर ये रीजन याद करना है ईयर याद रखना है पोलीगारों का रिवोल्ट सबका रीजन वही था कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उन एरियाज को कंट्रोल किया और वहां पे नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लैंड रेवेन्यू सिस्टम उसके कारण लोगों के अंदर गुस्सा था और रिवोल्ट किया था भिवानी का रिवोल्ट केवल याद रखना है कि हरियाणा में हुआ था टाइम पीरियड ये इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत ठीक है दीवान वेलूथम्पी का रिवोल्ट ये इंपॉर्टेंट है ये होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था त्रावणकोर पर बहुत ही हार्स कंडीशन इम्पोज कर दिए थे सब्सिडी अलायंस की एक्सेप्ट करने के बाद और उसके कारण वहाँ पे क्या हो रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा था त्रावणकोर के लोगों के अंदर और हम देखते हैं कि जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वेलू थम्पी वो वाइस रेज करता है और उसको सपोर्ट किया जाता है वहाँ के जो लोकल सिपाही थे उनके द्वारा और वेलू थम्पी ने लोगों को इकट्ठा किया और रिवोल्ट कर दिया ब्रिटसस ने क्या किया था बहुत ताकत के साथ इस मूवमेंट इस रिवोल्ट को सप्रेस किया वेलू थम्पी को पकड़ के जो है वो हैंग ऑन कर दिया गया था फांसी दे दिया गया था तो इसमें ब्रिटसस ने पूरी ताकत के साथ एनर्जी के साथ आर्म्स को यूज़ करते हुए इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था तो वेलू थम्पी का नाम आप केवल याद रखना कब हुआ था और कौन से एरिया में था त्रावणकोर में था और उसमें वेलू थम्पी को मार दिया गया था पकड़ कर ये याद रखना कच्छ कच का रिवेरियन एटीन में आपको लग रहा होगा कि इतने ढेर सारे रिबोल्ट हैं सब कैसे याद होगा सब याद करने की ज़रूरत नहीं एक बार केवल रीडिंग मार के रखना है ठीक है एक दो बार आप पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको याद हो जाएगा ठीक है अभी आपको लगेगा कि इतने ढेर सारे नाम है कैसे याद होंगे तो याद करना भी नहीं है केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जैसे थम्पी आपको याद रखना है सन्यासी याद रखना है बाकी केवल एक रीडिंग मार के रखना है कि ऑप्शन जब आए तो आसानी से क्या कर सको आप मैच कराने की कंडीशन में रहो क्योंकि सारे डिफिकल्ट वाले एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे दो बहुत वेल नोन दिए जाएंगे तो एक दो क्या होगा ऐसा दिया होगा जो आपने नहीं सुना हो या आपको रिकॉल नहीं हो रहा हो तो ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे लेकिन एक रीडिंग मार के रखनी है तो जो कच्छ का रिवेलियन है वो 1816 में स्टार्ट हुआ था 32 तक चलता था कि ब्रिटिश और जो कच्छ के महाराजा थे उनके बीच एग्रीमेंट हुआ था और फिर ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से क्या किया इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया उससे लोगों के अंदर क्या होता है गुस्सा होता है और फिर रिवोल्ट हो जाता है कि, सिंपल हर जगह फंडा आपको वही देखने को मिलेगा बरेली में 1816 में रिवोल्ट जिस तरह से पोलिस टैक्स वहां पे इम्पोज किया गया था लोगों के अंदर क्या हो गया था गुस्सा हो गया था और वहां के जो मुफ्ती साहब थे मोहम्मद आवाज साहब उन्होंने क्या किया था इस मोमेंट को एक तरीके से आप कह सकते हो लीड किया था क्लियर हाथरस में में हुआ था क्लियर ये केवल नाम याद रखने हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पाइका बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए ठीक है एटीन सेवनटीन में उड़ीसा में हुआ तकलीर ये क्या था ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे सैनिक भी थे और किसान भी थे रेंट फ्री जो है वो यूज करते थे ये लैंड को क्लियर क्योंकि वो मिलिट्री सर्विसेज दिया करते थे पुलिस फंक्शन करते थे हेरिटरी राइट था इनका क्लियर लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया वहाँ के राजा को उखाड़ फेंका और जो प्रेस्टीज थी पाइका की उसको वो हट हुआ और इसके कारण पाइका ने क्या कर दिया था रिवोल्ट कर दिया था तो ये पाइका रिबेलियन कहाँ पर हुआ था कब हुआ था और बेसिक रीजन क्या था राजा कौन था ये याद रखने की जरूरत है सब याद करने की जरूरत नहीं फिर जैसा मैंने बताया कि ब्रिट्स ने वहां पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज किया उसके कारण भी लोगों के अंदर गुस्सा आया कॉमन मासस क्यों नाराज हो रहा था क्योंकि साल्ट पे टैक्स लगा दिया गया था नमक पे कर लगा दिया गया था तो इन सब वजहों से वहां पर रिवोल्ट हुआ था जगबंधु जो थे वो उन्होंने क्या किया था जो मिलिट्री चीफ थे उन्होंने इस रिवोल्ट को क्या किया था लीड किया था रिवोल्ट को ब्रूटली सब रिप्रेस कर दिया गया था एटीन एटी तक था आते आते केवल ये जगबंधु का नाम याद रखना है ईयर याद रखना है रीजन याद रखना है इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है दुनिया भर की कहानी आपको बुक में मिलेगी बट सब याद करने की जरूरत नहीं है इस तरह से वगेरा राइजिंग कहां पर हो रहा है ठीक है तो जो बड़ौदा का एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये क्लियर ईयर याद रखना इसके अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं अहोम रिवोल्ट ये आपका कहाँ पर है अहोम है तो जाहिर सी बात है कि ये आसाम में होगा तो फर्स्ट बर्मा वार के बाद ब्रिटिसर्स ने अपनी आर्मी जो है वो विड्रॉ नहीं किया था और वो चाहते थे कि अहोम की टेरेटरी को भी कब्जा कर लिया जाए तो इसके अंगेंस्ट क्या हो जाता है वहाँ पर जो गोमधर कुर है उसके लीडरशिप में रिवोल्ट हो जाता है क्लियर बस केवल इतना याद रखना और ब्रिटिसर्स ने क्या किया था इसको सब क्लियर कर दिया देखिए सूरत साल्ट एजिटेशन होता है 1840 केवल इतना याद रखना है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है कोल्हापुर में गड़करी रिवोल्ट होता है क्लियर गड़करी क्या थे ये एक हेडिटरी मिलिट्री क्लास था जो मराठा फोर्ट को क्या करता था प्रोटेक्ट करता था क्लियर इनकी जो कंपनी थी उसको क्या कर दिया गया डिसबैंड कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स में 1844 में तो ये गड़करी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए कि गड़करी कहाँ से रिलेटेड है मराठा स्टेट से रिलेटेड है गड़करी मिलिट्री पर्सन थे जो इनको हेरिडेटरी एक तरीके से आर्मी के पार्ट थे इनको डिसबैंड कर दिया गया था इनके राइट uh, right को रिकग्निशन को डी रिक्नाइज कर दिया गया था तो इससे ये नाराज़ होते हैं गड़करी और रिवोल्ट कर देते हैं इसको भी ब्रिट्स ने क्या कर दिया था सप्रेस कर दिया था कि कि जब निकाला गया इनके डिसबैंड किया गया तो अनएम्प्लॉयड हो गए इनके अंदर गुस्सा आया और फिर इन्होंने क्या कर दिया था तो रिवोल्ट कर दिया था केवल तो इतना याद रखना है इस तरीके से वहाबी मूवमेंट ये इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा लीड किया गया था और ये सर सैयद अहमद बरेलवी अब्दुल वहाब से क्या थे इंस्पायर थे जो सऊदी अरेबिया के थे शाह अलीबुल्ला जो दिल्ली के थे उससे इंस्पायर थे ये भी आपको याद रखना है कि वहाबी मूवमेंट को लीड कौन कर रहा है सर सैयद अहमद बरेलवी जो कि एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है जो वहाबी मूवमेंट था वो चाहता था कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ चुका है इस्लाम पे वो खत्म होना चाहिए और इस्लाम को प्योर फॉर्म में स्टैब्लिश करने की जरूरत जरुरत और वहाबी मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर क्या था पटना था बाकी हैदराबाद मद्रास वगैरह तो था ही तो पटना में भी इसका सेंटर था ये भी आपको पता होना चाहिए तो वहाी मूवमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था उसको कभी दूसरे टर्म में पूछा जा सकता है कि इनका मानना था कि लैंड ऑफ काफिर यानी कि दारुल हर्ब जो है उसको दारुल इस्लाम में क्या करना है कन्वर्ट करना है कि लैंड ऑफ इस्लाम यानी कि जो भी लोग हैं वहाँ पे प्योर इस्लाम को फॉलोअर यहाँ पे रहने चाहिए और यही वहावी मूवमेंट क्या होता है ये सिख रूल के अंगे भी चल रहा होता है पंजाब में के और जब पंजाब को सिखों को डिफीट करके ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया था तो यही वहावी मूवमेंट क्या हो गया था ब्रिटिश के अंगेंस्ट भी हो गया था क्लियर तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वहां भी मूवमेंट है क्या वो नेशनलिस्ट मूवमेंट था नहीं वो इस्लाम को प्योर फॉर्म में स्टेब्लिश करना चाहते थे दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहते थे तो वो सिखों के अंगेंस्ट थे और जब सिख अंपायर को ब्रिटिशर्स ने अनेक्स किया तो वहाँ भी क्या हो गया ब्रिटिशर्स के अंगेंस्ट हो गए तो ये लॉजिक आपको याद रहना चाहिए ठीक है तो वही है एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट

सारी कहानी याद करने की जरूरत नहीं है रीजन जैसा मैंने बोला ईयर याद रखना है इंपॉर्टेंट लीडर याद रखना है इतने में आपका काम हो जाएगा और अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है स्टार्ट होने का और एंड होने के बाद कोई बहुत रेडिकल चेंजेस हो रहे हैं तो ही याद रखना है अदरवाइज याद रखने की जरूरत नहीं है तो कूका मूवमेंट में भी केवल इतनी बात है कि ये क्या था एक रिफॉर्म मूवमेंट भी था जिसमें जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करना जो एल्कोहल होता था उसको खत्म करना बुराइयों को खत्म करके जो नई प्रैक्टिस इन सब चीजों को प्रमोट करने की बात कही गई तो आप देखो कुका मूवमेंट की खास बात क्या है, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश रूल के अंगेंस्ट तो था ब्रिटिश जिस तरह से अट्रोसिटी करते थे उसके अंगेस्ट तो था ही. साथ, साथ आप देखोगे ये क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में रिफॉर्म करने की बात कोशिश कर रहे हैं कि इंग्लिश लॉज को बाइकआउट कर रहे हैं और अपने लोगों को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं अपने गुड्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं किए तो ये भी क्या है अब वो कुछ हद तक जो स्वदेशी मूवमेंट था वैसा आपको देखने को मिलेगा स्वदेशी मूवमेंट में भी एक तरफ स्वराज की बात थी दूसरी तरफ स्वदेशी गुड्स की बात थी क्यों का मूवमेंट भी यही है कि पंजाब से ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जाए और अपना सिख रूल स्टेब्लिश किया जाए साथ साथ अपने जो गुड्स हैं उनको प्रमोट किया जाए ब्रिटिश गुड्स को लॉज को बाइकॉट किया जाए कि तो कूका मूवमेंट में ये सिमिलरिटी है स्वदेशी मूवमेंट से तो ये चीज़ आप याद रखोगे के तो जैसा मैंने बताया कि जो स्वदेशी है नॉन कॉपरेशन का जो फंडा है आप कह सकते हो कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट तो में आगे, आगे आपको देखने को मिलता है वो कूका मूवमेंट तो में आपको बहुत पहले ही देखने को मिलता है ये अलग बात है कि बहुत डेवलप फॉर्म में नहीं था बट आप उसके थ्रेड आप उसके एलिमेंट आप यहां पे देख सकते हो क्लियर तो ये चीज आप याद रखोगे कुका मोवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया तो ब्रिटिशस ने क्या किया था बहुत क्रश करने के लिए सिक्सटी से सेवेंटी के बीच में बहुत सारे स्टेप्स लिए राम सिंह जो इसके लीडर थे उसको पकड़ के क्या कर दिया गया रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था क्या तो ये कुका मूवमेंट इंपॉर्टेंट है आप याद रखोगे इस तरीके से आप देखोगे पीजेंट मूवमेंट भी चल रहे हैं रिलीजियस ओवरटोन के साथ क्योंकि बहुत सारे सिविल में किसान भी थे, भी थे थे पीपल शामिल तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे जो उनका इविक्शन हो रहा था बेदखली की जा रही थी जो लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया जा रहा था मनी लैंडर जिस तरीके से क्या कर रहे थे उनको कॉन्फिस्केट कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी को तो वो चाहते थे कि ये सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो इसके कारण रिवोल्ट हो रहा है तो आप देखोगे कि नार्केलबेरिया अपराइजिंग हो रहा है निथार अली के द्वारा इसके लीडर हैं इन्हीं को आप टीटू मीर कहते हो क्लियर ये कहते हैं मुस्लिम जो टेनेंट थे वेस्ट बंगाल के उनको मोबलाइज करके जो लैंडलॉर्ड्स थे उसके अंगे से ये मोवमेंट चलाया जा रहा था इसमें आप देखोगे कि मेनली क्या थे हिंदू शामिल थे और दूसरे लोग भी इसमें शामिल थे तो ये केवल नाम याद रखना है इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है इस तरीके से आप देखोगे कि पागलपंथी रिवोल्ट है क्या? और पागलपंथी क्या था एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था जो इस मूवमेंट को क्या कर रहा था लीड कर रहा था मेमन सिंह जो डिस्ट्रिक्ट थी बंगाल में वहाँ पर यह मूवमेंट चलाया जा रहा था जो इस मूवमेंट को लीड करने वाले लोग थे वो थे करम शाह और जो उसका बेटा टीपू इस मूवमेंट को क्या कर रहा था लीड कर रहा था इस तरीके से आप देखोगे फरेजी रिवोल्ट तो फरेजी जो थे वो एक मुस्लिम सेक्ट था हाजी सरयतुल्लाह के द्वारा जिसकी फाउंडेशन रखी गई थी उसके द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया जा रहा था फरीदपुर क्या था ईस्ट बंगाल में था हाजी सरयतुल्ला क्या कर रहे थे इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को फाउंडेशन रखा था उन्हीं के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था इनका यही कहना था कि जो रेडिकल जो रिलीजियस और सोशल पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं उसका क्या कर रहे थे इसका समर्थन कर रहे थे यानी कि जो पुराना जो इस्लाम था उसके ये वापसी की बात ये भी करते हुए आपको दिखाई देंगे तो काफ़ी हद तक ये क्या थे रिवाइवलिस्ट लोग थे कि सरय जो सरयद अल्लाह साहब थे उनके जो बेटा था दादू मियाँ वो भी इस मोमेंट में क्या था एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था तो केवल आपको नाम याद रखना है कि कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे इस तरीके से मोपला जो है अपराइजिंग तो मोपला कहाँ पर थे आपको पता ही होगा कि जो केरल का कोर्स था यहाँ पे मालाबार और उसके नीचे का जो रीजन था वहाँ पे मोपला लोग क्या करते थे रहते थे मोपला किशान थे इस्लाम के फॉलोवर थे जो जमींदार थे वो क्या थे हिंदू थे तो हिंदू जमींदार क्या करते थे एक्सप्लाटेशन करते थे फार्मर्स का इसके कारण इनके अंदर गुस्सा था और रिवोल्ट करते थे ये बार बार फिर तो थर्टी से लेकर एटीन तक लगातार रिवोल्ट करते थे कई बार ये और 1921 तक आपको रिवोल्ट करते हुए दिखाई देंगे तो चूंकि हम एटीन फिफ्टी तक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 54 तक रिवोल्ट आपको दिखा रहे हैं कि। तो सिंपल सा रीजन वही था कि किसान के ऊपर जमींदारों का एक्सप्लाटेशन होता था और ये रिवोल्ट करते रहते थे मोबला रहते अब 1857 के रिवोल्ट में अगर प्रिजेंट रिवोल्ट आप देखोगे तो किसानों का भागीदारी क्या था अच्छा खासा था खास करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों को अवध की तो भागीदारी अच्छी खासी थी कि अवध में तालुकदार भी थे जिनके लैंड रेवेन्यू राइट ब्रिटिशर्स ने छीन लिए थे क्लियर तो इनकी भागीदारी अच्छी खासी थी अब अगर ट्राइबल रिवोल्ट की अब बात करोगे तो ट्राइबल जो मूवमेंट था रिवोल्ट था वो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट था आपको देखने को मिलेगा मिलिटेंट था बहुत उग्र था वायलेंट ज्यादा था और आप देखोगे कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये उनके जो बेसिक जो फीचर्स थे जो इनके लैंड राइड थे जो इनका अपना यूनिक कल्चर था उस पर अटैक जिस तरीके से किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा उसी के अगेंस्ट ये रिवोल्ट चलाया गया था ये पहाड़िया रिबेल जो था इसके बारे में केवल इतनी बात आपको जाननी है कि जो मार्शल रेस एक तरीके की थी राजमहल हिल्स में ब्रिटिशर्स ने जब अपना एक्सपेंशन किया था तो उसके कारण ये रिवोल्ट हुआ था क्या बस इतनी बात आपको जाननी है चुआर रिवोल्ट ये जो जंगल महल था जो छोटा नागपुर का जो एरिया है राजमहल मिदनापुर ठीक है और फिर आगे जो वेस्ट बंगाल में बाकुरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक ये सारे लोग फैले हुए थे और इनके ऊपर जब लैंड रेवेन्यू इंक्रीज़ किया गया था खास करके जब फेमाइन आया हुआ है तो इनके अंदर गुस्सा आया और फिर उन्होंने क्या कर दिया था रिवोल्ट कर दिया था कि से कोल म्यूटिनी कब होती है एटीन थर्टी वन में होती है ये भी कहां पर था छोटा नागपुर में रहने वाले ट्राइबल पीपल थे इनके पास वही दिक्कत थी कि इनकी जमीनों को क्या किया था ट्रांसफर किया जा रहा था दूसरों को जो मनी लैंडर थे जो बाहर से आए हुए लोग थे कि इससे इनके अंदर गुस्सा था क्योंकि जमीन का क्या था इनका कनेक्शन हुआ करता था इमोशनल अटैचमेंट हुआ था और ये जमीन से ही इनकी लाइवलीहुड जुड़ी हुई थी तो सडनली क्या किया जा रहा है आपको जमीन से बेदखल करके बाहर के लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है तो इनके अंदर गुस्सा था और उसी को विद्रोह के रूप में हम देखते हैं इस तरह से हो एंड मुंडा अपराइजिंग तो 1820 से लेकर 37 के बीच आपको देखने को मिलता है मुंडा अपराइजिंग को तो आप पता ही होगा आपको बिरसा मुंडा ने लीड किया था और 1899 से लेकर 1900 के बीच में और इसी मुंडा अपराइजिंग क्या कहता है उलगुलान भी कहा जाता है यानी कि ग्रेट रिबेलियन के बारे में जब हम बात करते हैं तो उल रिवोल्ट ही आता है जिसे हम मुंडा अपराइजिंग कहते हैं कि है ये भी वही था कि जिस तरह से इनके रिलीजन पे अटैक था फ्यूडल एलिमेंट की एंट्री थी मनी लैंडर की एंट्री थी इसके कारण ये रिवोल्ट होता है जिसको बिरसा मुंडा लीड करता है कि संथाल रिवेलिये भी इंपॉर्टेंट रिवेलियन है एटीन फिफ्टी में हुआ था यानी कि जस्ट एटीन के रिवोल्ट के पहले जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था वो संथाल रिवेलियन था संथालों का भी क्या क्या था ऑपरेशन किया जा रहा था उनके ऊपर अट्रोसिटी की जा रही थी उनके लैंड छीले जा रहे थे ये भी कहाँ पर थे तो आपको पता होगा कि बिहार का जो राजमहल का रीजन है वहाँ पर ये रहते थे जमींदारों के एक्सप्लाटेशन के आंगे मनी लैंडर के एक्सप्लाटेशन के आगे इस लीडर कौन थे तो सिद्धू और कानू इसके लीडर थे और ब्रिटिशर्स ने जब इन मनी लैंडर्स को जमींदारों को सपोर्ट किया तो इन संथालों ने ब्रिटिशर्स के अंगेज़ भी हथियार उठा लिए थे सेम वही मुंडा में भी था गे? इसको भी सप्रेस कर दिया था ब्रिटिशर्स ने 1856 तक आते आते खोंड खूंंडराइजिंग कहां पे था तो केवल याद रखना है कि उड़ीसा में जो था ट्राइबल पीपल खोंड उन्होंने रिवोल्ट किया था 1837 से लेके 56 के बीच में जिसको ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था सर सप्रेस कर दिया था चक्रा बिस्ई क्या थे इन्होंने इसको लीड किया था केवल इतना याद रखना है कोया रिवोल्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं आप इसको छोड़ सकते हो भील इंपॉर्टेंट है तो भील आप देखोगे कहाँ पर थे वेस्टर्न घाट में रहने वाले ट्राइबल पीपल थे कई स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में देखने को मिलेंगे थोड़े गुजरात में भी आपको देखने को मिलेंगे थोड़े नंबर आपको महाराष्ट्र में भी देखने को तो इन्होंने कंपनी के रूल के अंगीन सेवनटीन नाइनटीन में क्या किया था रिवोल्ट किया था आगे भी किया था भील रिवोल्ट आपको कई फेजेस में देखने को मिलेंगे इनके जो लीडर हैं जैसे आप देख सकते हो ट्वेंटी फाइव में किया थर्टी वन में किया फोर्टी सिक्स में किया तो कई बार भील रिवोल्ट आपको देखने को मिलेंगे भील रिवोल्ट से रिलेटेड जो पर्सनैलिटी है या जिन्होंने अवेकनिंग लाई थी भीलों में वो है गोविंद गुरु के तो गोविंद गुरु ने राजस्थान में रहने वाले भीलों को क्या किया था मोटिवेट किया था उनको एडुकेट करने की कोशिश की थी उनके अंदर एक होप डेवलप किया था उनको ऑर्गेनाइज किया था कि भील राजा में स्टेब्लिश करना है और इसके कारण वहां पे रिवोल्ट होता है तो बहुत सारे रिवोल्ट के नाम आपको याद करने पड़ेंगे ठीक है तो सबके याद नहीं करने जैसे मैंने बोला कि कुछ के जो इंपॉर्टेंट है उसको जो तो याद करना है बाकी को क्या करना है केवल ऐसे ही रिविजन करके रखना है आसपास की डेट याद रखनी है कि अच्छा ये जब इस टाइम हुआ था इसके बाद ये हुआ था क्योंकि तो सारे याद करना पॉसिबल नहीं है नहीं नेसेसरी है कि ठीक है नहीं रिक्वायरमेंट है नहीं क्या है आपको याद करना तो ज़्यादा दिमाग पे बर्डन डालने की जरूरत नहीं है एक दो बार केवल पढ़ना है तो एक दिमाग में केवल आइडिया लगा लेना है कि ये रिवोल्ट इसके आसपास हुआ था लीडर का नाम तो याद करना आसान है बट ईयर याद करना आसान नहीं है तो जरूरत भी नहीं है की रामोसी क्या है इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट में हुआ था कि जो ब्रिटिसर्स का रूल था रेगुलेशन था जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको लेकर इनके अंदर नाराज़गी थी बातचीत हो रही थी लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था और ब्रिटिसर्स की जो एनेक्शेशन की पॉलिसी थी खास करके मराठा स्टेट को लेकर तो जब इन्होंने स्टेट को एनेक्स किया तो इनका गुस्सा बढ़ गया रमोशियों का और रमोशियों ने क्या कर दिया था रिवोल्ट कर दिया था तो आपको ये बल ध्यान रखना है कि वेस्टर्न घाट में ये रहते थे मराठा स्टेट के खास करके जो सतारा का एरिया था उसको जब ब्रिटसर्स ने एनेक्स किया तो इन्होंने क्या कर दिया था रिवोल्ट कर दिया था केवल इतनी बात आपको याद रखनी जो सतारा का रूलर था राजा प्रताप सिंह उसी की बात याद रखनी खासी आपको पता ही होगा कि मेघालय वाला जो रीजन है गारो खासी जयंतिया वहां पर ब्रिट्सर्स ने अपना इंटरफेरेंस किया और फिर वहां पर रिवोल्ट हो गया इस तरह से सिपाही म्यूटनी भी क्या होता है कोई नई चीज़ नहीं होती एटीन में जब रिवोल्ट हो रहा है सिपाहियों का उसके पहले भी सिपाही लगातार विद्रोह करते आए थे तो बात वही थी डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके साथ मिसट्रीटमेंट होता था इनको खाने को अच्छा नहीं दिया जाता था इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था गालियां वगैरह दी जाती थी ठीक है प्रमोशन नहीं मिलता था सैलरी सही से नहीं मिलती थी फिर ये बाहर जाके सर्विस करने से क्या करते थे मना कर देते थे क्लियर और फिर आप देखोगे कि जो जाते भी थे तो उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती थी लेकिन जब वो लौट के आते थे रिमोट रीजन में तो वो उनको अलाउंसेस नहीं मिलते थे इसके कारण भी इनके अंदर गुस्सा था फिर मैंने आपको बताया था कि केनिंग ने जब जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट लाया था जिसमें ये डिसाइड कर दिया गया था ये एक्ट बना दिया गया था कि कोई भी अब अगर सर्विस में आता है तो उसे ये बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आपको कहीं पर भी सर्विस के लिए क्या करना पड़ेगा जाना पड़ेगा चाहे इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर तो इसको भी क्या किया था सैनिकों ने डिनाई किया था उनके अंदर गुस्सा था कि और उसके कारण भी उन्होंने रिवोल्ट किया था तो आप देखो ये सिक्सटी फोर में ही सिपाहियों ने बंगाल के रिवोल्ट किया था फिर वेल्लोर में वन एट जीरो सिक्स में रिवोल्ट किया गया था जब उनको माथे पर तिलक लगाने की परमिशन नहीं दी गई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे रिलीजियस फ्रीडम के रिलीजियस सिंबल्स को यूज़ नहीं करने दे रहे हो तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था देख सकते हो 1764 से लेकर एटीन फिफ्टीन तक लगातार रिवोल्ट होते रहे 1824 में रिवोल्ट किया था तो रिवोल्ट भी सैनिकों का कोई पहली बार नहीं हुआ था 25 में आसाम में रिवोल्ट किया गया था 1838 में सोलापुर में रिवोल्ट हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है कि एटीन का जब रिवोल्ट हो रहा है तो उसके पहले इंडिया में सिपाहियों के द्वारा भी लगातार रिवोल्ट हुए हैं फोर्टी फोर फोर्टी नाइन हर जगह रिवोल्ट आपको होते हुए दिखाई देंगे अब अगर ये जो सिविल रिवेलियन हुए थे इनकी अगर आप वीकनेसेस की बात करोगे तो सबसे पहले वीकनेस यही थी कि ये सब के सब क्या थे लोकलाइज थे यानी कि इनका जो मास बेस था था वो क्या बहुत ही कम लीडरशिप अच्छी नहीं थी लीडरशिप कैसा था बैकवर्ड लुकिंग था उन्होंने जो एग्जिस्टिंग सोशल सेटअप था जो पोलिटिकल सेटअप था उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं दे रहे हैं वो वापस ही राजा महाराजा वाला रूल स्टैब्लिश करने की बात करते थे तो इसके कारण भी ये सक्सेस नहीं हो पा रहा था ये जो आर्म्स यूज कर रहे थे वो क्या थे बहुत ही पुराने थे कमजोर थे ब्रिटिशर्स के कैमरे ब्रिटिशर्स के पास नए आर्म्स थे सोफिस्टिकेटेड आर्म्स थे रिसोर्सेज बहुत थे इनके पास वैसे नहीं थे तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये सारे के सारे अपराइजिंग क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं क्लियर डन तो ये कुछ बातें थी कारण हम देखते हैं कि पीपल सरप्राइजिंग क्या हो जाता है सक्सेसफुल नहीं हो पाता है Done? तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया हमारा थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला चैप्टर बचा रह गया सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला उसको हम लोग कल कर डिस्कस करेंगे क्ये? अब जल्दी ही इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोग क्या करेंगे एम का सेशन स्टार्ट करेंगे क्लियर प्लान ये है कि तीन दिन हम लोग स्पेक्ट्रम को समरी कवर करेंगे और तीन दिन क्या कर सकते हैं एम कर सकते हैं क्लियर या फिर एम का सेशन हम लोग क्या कर सकते हैं नाइट में कर सकते हैं क्लियर ठीक है क्योंकि स्पेशल क्लासेस खत्म हो चुकी हैं जो अलॉटेड थी तो एम के सेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग तीन दिन स्पेक्ट्रम और तीन दिन क्या कर सकते हैं एम कर सकते हैं या फिर एम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं नाइट में प्लान कर सकते हैं क्लियर तो देख लेंगे एक बार जैसे ही कोर्स या जो है शेड्यूल हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम पे क्या कर दिया जाएगा अपडेट कर दिया जाएगा तो एक बार आप लोग टेलीग्राम देखते रहना जैसे ही एम का सेशन क्या होता है शेड्यूल होता है हिस्ट्री का पॉलिटी का इकोनॉमी का करेंट अफेयर का इवन तो आपको टेलीग्राम पर लिंक दे दिया जाएगा तो आप लोग क्या कर लेना आराम से क्लासेस देख सकते हो क्लियर क्योंकि अब जो क्लासेस होंगी वो स्पेशल क्लासेस नहीं होंगी यूट्यूब पर सॉरी जो अनकेडमी का अपना वेबसाइट है वहाँ पर क्योंकि जो अलॉटेड क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है मतलब मुझे जो अलॉटेड थी वो हमने एम सी क्यू का सेशन वहाँ पर लेके कम्प्लीट कर दिया है तो अब जो भी एम सी क्यू का सेशन होगा वो इसी यूट्यूब के इसी चैनल वाले प्लेटफॉर्म पर हुए तो जैसे ही कुछ होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा तो कल के लिए जब हम लोग मिलेंगे ग्यारह बजे तो एटीन फिफ्टीन सेवन के बाद जो रिवोल्ट हुए हैं मूवमेंट हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे साथ साथ जो सोशलज रिफॉर्म मूवमेंट है उसका जो बचा हुआ सेक्शन है उसको कवर करेंगे तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू मिलते हैं हम लोग